नमस्कार, द पब्लिक न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश प्रताप सिंह और मैं आपके बीच लाया हूं विज्ञान की खबरें। भारत ने अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 7 नवंबर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि इसरो ने 10 उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में प्रवेश कराया। PSLV C-49 यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च वेहीकल को 3:11 पे श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। 10 सैटेलाइट्स में एक भारतीय और 9 इंटरनेशनल कमर्शियल सैटेलाइट्स थे। भारतीय सैटेलाइट में EOS-01 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में यूज के लिए बनाया गया है। वहीं 9 कमर्शियल सैटेलाइट्स जो कि 4 US के, 4 लक्समबर्ग के और 1 लुथानिया से थे, उन्हें भी साथ में लॉन्च किया गया। इन 9 इंटरनेशनल सैटेलाइट्स को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के एग्रीमेंट के तहत लॉन्च किया गया। बात करें कोविड सिचुएशन की तो इसरो की व्यूइंग गैलरी पूरी तरह बंद रही, किसी भी तरह के विजिटर्स को अलाउ नहीं किया गया, इवन मीडिया का जमावड़ा पे भी रोक लगाया गया। अंततः ISRO प्रमुख के सिवन ने इस विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता पाने का श्रेय इसरो के वैज्ञानिक और उनके सहयोगियों को दिया। उन्होंने इसरो के आगे के या निकट भविष्य के मिशन्स के बारे में भी बातें की। निकट भविष्य में इसरो के जो मिशन्स हैं जिनके उन्होंने नाम लिए वो हैं, पहला PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-50, SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसका पहला फ्लाइट होगा और वो EOS-02 को एज अ पेलोड कैरी करेगा, और तीसरा GSLV-F10 जो कि EOS-03 को कैरी करेगा। विज्ञान की इसी तरह की खबरों को जानने के लिए द पब्लिक न्यूज 24 से जुड़े रहें। द पब्लिक न्यूज 24 के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल माई डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू डिक्लेयर द PSLV C-49 successfully placed Earth Observation Satellite EOS-01 as well as 9 customer satellite precisely into the 575 km orbit.